हेलो गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। और आज सुबह सुबह उठ के मैंने रॉकी को मारा क्योंकि वो बहुत परेशान कर रहा था सबको, तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। दो तीन उसको मारा और वो अभी ऐसे छुप गया है। अब वो थोड़ी देर ऐसे ही छुपा रहेगा और ये कटिंग का काम जिंदगी भर चलता रहेगा। थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएगा, जैसे अब मैं चला जाऊँगा नीचे टीवी देखने के लिए, वो भी आ जाएगा। पर डायरेक्टली नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा डरा हुआ है वो अभी। ये देखो उठ भी गया वो, वहाँ से दरवाज़ा खोलने का ट्राई कर रहा था। आज मैं वापस कॉलेज के कोई काम से बाहर जाने वाला हूँ, अभी जस्ट मेरे को खा के निकलना ही है। अभी हम लोग TMK उसे देख रहे, पराठे बन रहे हैं, एकदम गरम गरम पराठे खाएंगे। जो काम है आज ख़त्म हो जाएगा मेरे ख्याल से, पिछले दो तीन दिन से मैं उसके पीछे भाग भाग रहा हूँ, पर आज फाइनली ख़त्म हो जाएगा। देखो अब मैं ड्रॉवर देख रहा था तो मुझे उसमें वेरा बिल मिला। वेरा बिल पता नहीं क्या होता है मुझे, पर एक बिल होता है जो भरना होता है, तो अब वो भरने जा रहा हूँ मैं। ये जैकेट पहन लेता हूँ, बाहर बहुत धूप है, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि राजेश को गाड़ी का काम है। वैसे वो जहाँ पे भरते हैं वो बहुत पास में है, 1 ही किलोमीटर है शायद आने का और जाने का मिला के, और वो बहुत मतलब विलेज टाइप जगह है, मैं आपको बताऊँगा वहाँ पे वीडियो लेके। आई एम रेडी नाउ, अब जाता हूँ, साइकिल पे जाना पड़ेगा। गाइज मेरे को पता भी नहीं रास्ता कौन सा है, बस मैं जाते जा रहा हूँ। वैसे ये रास्ता एक ही जगह निकलता है, तो मैं जाऊँ जहाँ से भी मैं पहुँचूँगा वहीं पे। और हाँ, ये साइकिल चलाते चलाते व्लॉग करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक ही हाथ लगा सकते हैं फिर साइकिल पे, कंट्रोल 50% ही होता है। और आपको बहुत शांति लग रही होगी क्योंकि ये इलाका बहुत अच्छा है, यहाँ पर सब गाँव वाले लोग होते हैं, सब बहुत अच्छे होते हैं। इतनी जल्दी मैं पहुंच भी गया जितना मैंने सोचा था, उससे भी पास में है ये, तो क्योंकि उनके पास छुट्टा नहीं है। 75 रुपीज़ तो मेरे को भेजा है उन्होंने, पर यहाँ पे एक भी शॉप नहीं है, सब बंद है, छोटी छोटी शॉप्स है। यहाँ पे एक शॉप तो मिल गई है, पर मैं वहाँ पे अपनी साइकिल रख के आया हूँ, कहीं चोरी ना हो जाए। नहीं होगी यार, वो दीदी ध्यान दे रही होगी वहाँ पे शायद। किटकैट से अंकल, किटकैट लाल वाली कहीं नहीं, डेयरी मिल्क काफी दो। डेयरी मिल्क खरीद के अपने को पैसे मिल गए, अब अपन जाते हैं। सोच रहा हूँ वो दीदी को ही डेयरी मिल्क दे दूँ, पर मेरे को थोड़ा डर लगता है ऐसे काम करने में, शी कैन टेक इट इन अ रॉन्ग वे, इसलिए जाता हूँ अभी उनको 75 रुपीज़ दे देता हूँ छुट्टे। वैसे शॉप काफ़ी दूर है और वहाँ पे आसपास भी नहीं थी, टपरी बोलते हैं ना टपरी, वो सब थी, पर वो भी बंद है, तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने मेरे पे विश्वास करके मेरे को जाने दिया 75 रुपीज़ लेने के लिए, पर मैंने भी जैसे अपनी साइकिल वहाँ पर गिरवी रखी है क्योंकि उनको भी ट्रस्ट होना चाहिए कि ये लड़का भागेगा नहीं, इसलिए। और मेरी साइकिल है वहाँ पर, देखा मैंने दूर से। ओल्ड स्कूल वाइब्स, ये पोस्ट ऑफिस है। सो आई एम डन नाउ, अब घर पे जाता हूँ। आई एम होम, जैकेट निकालने दो, बहुत गर्मी लग रही है। अब आ गया, वहाँ पे साल में एक ही बार जाने मिलता है जब वो बिल भरना होता है, तो ये बिल साल में एक ही बार आता है, वहाँ जाके अच्छा लगता है। और वहाँ के घर वर भी काफ़ी ओल्ड स्कूल, मैं बता रहा हूँ ना, ओल्ड स्कूल इज़ द वर्ड फॉर दैट प्लेस। पूरा वो जो 200-300 मीटर है वो पूरा बढ़िया है, एकदम मस्त। वहाँ पे ट्रैक्टर होता है, तबेले होता है, ये सब एकदम जो चीज़ें गांव में देखने को मिलती है वैसी। और अभी मैं सरपंच के पास गया था, वो दीदी सरपंच थी, मैंने देखा वहाँ पे वो बोर्ड लगा था, वहाँ पे सरपंच श्री उनका नाम लिखा था। और हाँ, ये डेयरी मिल्क अच्छा, वहाँ पे स्टोर खुली थी, अंकल काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने 2 20 की नोट दी थी और 1 50 की, तो मैंने उनको बोला अंकल मेरे को 2 5 के सिक्के चाहिए, मेरे को एक ट्रांजेक्शन करना है, तो उन्होंने मेरे को दे दिए थे 5 के सिक्के, वो थैंक यू अंकल। और जस्ट मैंने रियलाइज़ किया कि मम्मी ने एक और काम बोला था कि, और मैं साइकिल चलाते चलाते घर पे आ गया, मैं बीच में कहीं पे रुका ही नहीं, तो अब शाम को दूध लेने जाऊंगा, तब वो चीज़ करके आऊंगा। अभी पसीनेदार हो गया हूँ, एक बार मुँह धो लेता हूँ, और मेरे फ़ोन में चार्ज भी है तो मैं यूट्यूब पर प्रैंक्स देखता हूँ।
कुछ सामान लेने जाना है। और बेस्ट कौन सा आएगा आपके हिसाब से? भाई तेरे पैसे ले लो भैया। आप सोच रहे होंगे मैं शूट क्यों कर रहा हूँ, है ना? अरे हम वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे। अभी टोस्ट लेना पड़ेगा, ये शॉप में मिल सकता है भाई। टोस्ट है अभी वापस 50 रुपए गिर जाते। यहाँ पे भी टोस्ट नहीं है वैसे। आज काफी टाइम बाद हमने मैगी नूडल्स जो भी है, वैसे चिंग्स का मंचूरियन फ्लेवर इंस्टेंट नूडल्स है खा के देखता हूँ कैसा है। वैसे पर्सनली आई डोंट लाइक इट अ लॉट, पर मेरे को कुछ तीखा खाने का मन हो रहा था तो इसके अलावा कुछ था भी नहीं घर में। तीखा है, अच्छा है। You don't have power, I should say. इसलिए तूने इतनी भारी चीज पकड़ी है और मैंने इतनी हल्की। इतिहास गवाह है कि हर भारी काम सनी करे और हर हल्का काम राजेश करे। वो तो अच्छा है, इन चीज़ों ने थोड़ी मदद की, वरना ये तो ख़त्म हो जाते मेरे। चल तो फिलहाल इवनिंग बड़ी बॉम्ब चल रही है। सिद्धू मूसे वाला सुनते सुनते मैं रॉकी को वॉक करवा रहा हूँ और रॉकी फिलहाल मेरे को गिराने की पूरी तैयारी में है। मेरे पाँव में आ रहा है वो बार बार, इतनी बढ़िया आवाज़ चल रही है और हम लोग रॉकी की रील्स बना रहे हैं। पापा जल्दी आ गए तो सनी के पास पापा का फ़ोन है, पापा के फ़ोन से बहुत अच्छी रील्स आती है तो उसके लिए रॉकी की रील्स बना रहे हैं। रॉकी की रील्स बनाने में बड़ी मज़ा आती है, मतलब कुछ भी क्रिएट कर सकते हो आप क्योंकि वो मालिक है न्यूज़ अकाउंट का, हम लोग मालिक है, है ना रॉकी, है ना? हाँ बोल रहा है वो। अभी तक एक आध रील बन गई है, अगर आप लोगों को देखनी है कैसी रील्स बनाई है तो आप रॉकी के अकाउंट पे जाके देख सकते हो। साडा कुत्ता रॉकी उसका अकाउंट मैं यहाँ पे टैग कर दूंगा। अभी अभी मैंने क्या देखा कि यहाँ से गाड़ी गई इस रोड से, और वो हैंडीकैप्ट वाली नहीं होती है जो जिसमें एक्स्ट्रा दो व्हील्स लगे हुए होते हैं, तो उस गाड़ी पे एक बहुत ही छोटी बच्ची बैठी थी, मतलब 5-6 साल की होगी, तो वो गाड़ी चला रही थी। उसके मम्मी पापा और एक और कोई सिबलिंग उसके पीछे बैठे थे और वो छोटी सी बच्ची गाड़ी चला रही है। ऑब्वियसली बैलेंस की जरूरत नहीं होती है हैंडीकैप वाली व्हीकल में। वाह इमरान खान का गाना आया अभी अभी, पर फिर भी यार वो छोटी बच्ची एक्सीलेटर और ब्रेक और ये सब कर रही है। बेवफा निकली है तो। इमरान खान इज सो विंटेज मैन, लव लव इमरान। टाइम टू ईट। अभी जस्ट हम लोग वुमेन्स का थर्ड वाला ODI देख रहे थे और इंडिया की बैटिंग सेकंड है तो 220 का टारगेट दिया है और अभी इनिंग ब्रेक आ गया है। हम लोग अभी डिनर करेंगे, पापड़ रोस्ट कर लेता हूँ, प्लेट में सर्व कर लेता हूँ और हाँ हम लोग देखेंगे 20-30 ओवर। तो ये मेरी प्लेट थी, आपने देखा राजेश को अभी नहीं खाना तो वो बाद में खुद लेके खा लेगा होपफुली, नहीं तो किसी को देना पड़ेगा उसको हमेशा की तरह। अभी रॉकी उसके साथ खेल रहा है। तो मैं रूम में जल्दी आ चुका हूँ, सनी अभी तक वुमेन्स क्रिकेट का लास्ट ODI चल रहा है वो देख रहा है,
और आज बहुत सारा मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई। आज एक वैसे गुड न्यूज़ भी मिली है, वो मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगा। और सॉन्ग चल रहा है तो मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट देन एनीवेज अगर आप लोगों को वो हैप्पी न्यूज़ सुननी है जो आज हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताने वाला वो सारी चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आप लोग जो हर रोज़ देख रहे हो उनकी वजह से मेरे को व्लॉग्स हर रोज़ करने में मज़ा आता है। आज वैसे मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया तो अभी मैं रेगुलर से 2 व्लॉग पीछे हो गया हूँ, वो चीज़ भी मैं ट्रैक पर ले आऊँगा, क्योंकि धीरे धीरे जो भी चीज़ है वो ऐसे स्ट्राइक ऑफ होती जा रही है, जो चीज़ें बाकी है करनी वो स्ट्राइक ऑफ होती जा रही है, तो ये भी चीज़ स्ट्राइक ऑफ हो ही जाएगी। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करो अगर वीडियो पसंद आई है। मैं मिलूंगा आपको कल, तब तक के लिए पीस आउट। मुझे लगा स्लोमो सिर्फ वीडियो होगा तो गाना स्लोमो नहीं हुआ, डबल फास्ट।